कौन भाग जाता है सर? बच्चा कहाँ सब है? खुल गया मैडम। क्या हो रहा, कलर नहीं कर रहा क्या मैडम? कविता पढ़ा रहे थे सर। आप लिखे हैं? कपड़ा कहीं पहनी स्कूल का कपड़ा? गर्मी। और इसको बोला ये इधर उधर बच्ची? बहुत सारे बच्चे घर में है सर अभी। मिडिल स्कूल में है? मिडिल स्कूल। कौन स्कूल में पढ़ती हैं? मिडिल स्कूल। स्कूल नहीं गए आज? आज नहीं गए, घर पे काम है तो स्कूल नहीं जाएंगे। ये बच्चा गया था इसी संबंध के बाद पहुंच जाएगा गार्जियन लोग की छोड़ दीजिए बच्चा रो रहा है। तो स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं? तो उसको काम हो गया तो घर पर बैठा नहीं गई है तो रोज जाता है, रोज इस सबको हम स्कूल भेजते हैं, हम खुद नहीं चाहते कि घर पर रहे ये सब। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यानी कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और स्कूलों के साथ वो घर का भी निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पे बच्चे आखिरकार स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं इसके जानने के लिए भी वो घर घर पहुँच गए हैं। साथ में स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए भी पहुँच गए। पहले हम चाहेंगे कि किस तरीके से स्कूली बच्चों के वो घर गए हैं, आप पहले इस वीडियो पे नजर डालिए। गलत बात है ना, स्कूल जाना चाहिए। बड़ा बच्चा बुलाने घड़े घड़े तब पर भी नहीं आती है। इधर बच्ची बहुत सारे बच्चे घर में है सर अभी। मिडिल स्कूल में है? मिडिल। कौन स्कूल में पढ़ती है? मिडिल स्कूल। स्कूल गए आज? नहीं, घर पे काम है तो स्कूल नहीं जाएंगे। घर बुलाने जाते हैं सर, घड़े घड़े कहते हैं। स्कूल नहीं गई? नहीं गया था। वो पीछे वाली जाता है सब। वो लड़की सब जाता है। तो आज स्कूल क्यों नहीं गया? कुछ काम था इसीलिए। उसका काम था तो स्कूल छोड़ देंगे? नहीं नहीं, वो बात नहीं। वो लड़का भी देखिए, सारा बच्चा सब यहीं घूम रहा है बिना स्कूल जाए। कौन सा स्कूल में है? प्राइवेट है। बच्चा गया था इसी संबंध के बाद पहुँच जाएगा गार्जियन लोग की छोड़ दीजिए बच्चा रो रहा है। तो स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं? तो उसको काम हो गया तो घर पर बैठा नहीं गई है तो रोज जाता है, रोज इस सबको हम स्कूल भेजते हैं, हम खुद नहीं चाहते कि घर पर रहे ये सब। बताइए, गलत बात है ना ये सब? रोज स्कूल जाता है। अंदर कहाँ चले गए? अंदर चले गए। गलत बात है ये सब? चलिए आइए। नहीं नहीं, आप कुछ काम नहीं करते लगता है। आपको काम है ना, सबको पकड़ के लाना है। तो लगा नहीं आया सब बच्चा। गार्जियन से कम से कम पूछ लीजिए, सवेरे जाते हैं, झाड़ू लगा के जाते हैं, बुलाने जाते हैं, सरों बुलाते हैं। तो देखा आपने, सीधे तौर पे उन्होंने गार्जियन से पूछा कि आखिरकार आप बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेज रही हैं। तो उनका कहना था ये दोनों बच्चे जो हैं स्कूल में एडमिशन कराए हैं, बस आज भर घर नहीं गए, स्कूल नहीं गए, लेकिन कल से ज़रूर जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्कूल का जब निरीक्षण करने पहुंचे थे तो उन्होंने सबसे पहला सवाल किया कि आखिरकार जो छात्र हैं वो क्यों यूनिफॉर्म में नहीं स्कूल आ रहे, जहां पर शिक्षिका ये कहते हुए नजर आ रही है कि इन लोगों को सरकारी योजना के तहत स्कूली यूनिफॉर्म के लिए पैसे तो ज़रूर मिलते हैं लेकिन क्यों ये लोग नहीं पहन के आते, इनसे ही पूछ लीजिए। जब डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो हैं बच्चों से पूछते हैं कि आखिरकार तुम लोग यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन के आते हो, तो उनका कहना था कि गर्मी लगती है। पहले हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो पर नज़र डालिए। बच्चा कहाँ सब है? खुल गया मैडम। भाग जाता है? भाग जाता है, वैसे लगा देते हैं पानी के बहर है, तो समय सब कुछ है यहाँ व्यवस्था है ना, पानी वानी है सब चीज है। कोई विभाग के बाहर बदल के स्कूल है? अरे यही मोहल्ला है। नमस्ते सर।
क्या हो गया, पढ़ाई नहीं कर रहा क्या मैडम? कपड़ा कहीं पहनी स्कूल का कपड़ा? गर्मी पंखा नहीं है, लाइन आता है क्या नाम है? ट्विंकल गर्मी आता है, घर आता है आता किधर है कपड़ा? जीमल है कपड़ों में पहन के आए बनियान पहन के आइए तो सुना आपने, सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जब वो स्कूल के मेन गेट पे जाते हैं तो स्कूल का गेट बंद था, जिसको लेके वहाँ के जो कार्यकर्ता है उन्होंने बताया कि बच्चे भाग जाते हैं, जिसकी वजह से हमने ये मेन गेट लगा रखा है। जब वो अंदर जाते हैं तो एक क्लासरूम में पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के बच्चे पढ़ रहे होते हैं और साथ में जो शिक्षिका होती है, दोनों को एक साथ पढ़ाती है, वो कॉपी बुक्स चेक करते हुए भी नज़र आए। और सीधे तौर पे उन्होंने ये कहा कि आखिरकार बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत कहाँ आ रही है। बच्चों ने कहा कि हमें गर्मी लगती है इसीलिए हम यूनिफॉर्म नहीं पहन के आए। तो इस पर उन्होंने ये कहा कि लाइट यहाँ नहीं रहती है क्या? तो बच्चों का कहना है कि आती जाती रहती है लाइट। इसके साथ ही घर घर जाके भी वो ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार आप बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेज रही है। अब जिस तरीके से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एक्शन मोड में आ गए हैं, आगे क्या कुछ होता है और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कैसे बदलती है, ये देखना लाजमी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।